रंगारेड्डी जिल्ला राजेंद्र नगर लो भार्यनु हत्य चेसी अनंतरं आमे तलतो भर्त पोलीस स्टेशन कु चेरुकुन्नाडु। पोलीसुल समाचारं मेरकु पर्वेज समरीन अने दंपतुलु इमाद नगर लो निवसिस्तुन्नारु। ई दंपतुलकु 14 संवत्सराल क्रितं विवाहं जरिगिंदि। भर्त वेधिंपुलु तट्टुकोलेक समरीन विडाकुलु तीसुकोनि वेरुगा उंटुंदि। వారం రోజుల క్రితం పెద్ద మంచుల సమక్షంలో సమ్రీన్కు నచ్చ చెప్పి తన ఇంటికి పర్వేస్ తీసుకొచ్చాడు। భార్యపై అనుమానంతో ఆమెను హత్య చేసి అనంతరం మృతదేహం నుంచి తలను వేరు చేసి స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో లొంగిపోయాడు। పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు। పరిసరలో ఎమ్మంపడి ఏరియాలో ఇమ్మద్ నగర్లో మొహమ్మద్ పర్వేజ్ అనే వ్యక్తి తన భార్యను అనుమానంతోటి హత్య చేసిన సమాచారం మేరకు కేసు నమోదు చేసి పరిసరణ చేయడం జరుగుతుంది। मेरी बहन का नाम शमीम बेगम है। मेरी बहन जो है ना, उनके शौहर जो है ना हमेशा शक करते थे। शक करके जो है ना पी के आगे मानना तो ना करते थे। रात में भी वही करे, हमारे वालदा गए थे, जाके उनको बुलाने गए तो जो है ना नहीं बोल के हमारे वालदा को हकाल दिए। हकाल दे के जो है ना रात में ये हरकत कर दिए। काम पर भी नहीं जाते थे और नशा करते थे हमेशा। उन्होंने हमारे यही पुलिस से गुजारिश है कि हमारे इंसाफ होना, उसको सख्त से सख्त सजा होना। कितने बच्चे हैं आपकी बहन की? शादी कब हुई थी? हो गया था। मेरी बहन आमिल कोर्स करी हुई है, उसको जाम निज़ामिया से सन्नत मिली सो है। उन्हें दुनिया दीन की तरफ ज़्यादा है। उन्हें उसको टॉर्चर करता था और सेक्स 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 येज करते रहता था, दिन रात येज करता था, बोल बोल के हमको वो करती थी। आखिर उसका दिमाग में वो फतून भस भस के उन्हें ऐसी है बोल के बोलने लगा। और उसको डिप्रेशन की बीमारी है, वो क्या है वो कहीं को बोलता था। बहुत मुसीबत में थी मेरी बहन, उसको सख्त सख्त सज़ा होना। माती दो लड़के एक लड़की है, मगर बच्चे बच्चे बोल के खुला हो गया था। उसको आके पैरा पड़ा, हाथा जोड़ा, मिलाओ 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 बोला। उसकी अम्मा आके हमारे अम्मा को बोली, जान दो एक एक मौका देंगे, एक मौका देंगे बोल के ये नतीजा आया। पहले खुला हो गया था, खुला हो गया था। और किशनबाग